जो चाचा शकुनी रामगोपाल है वो बर्बाद कर देगा उनको, वो समझ ही नहीं रहे अभी। टिकट ही भरे बाद में ऐसे बेच दी, मुख्यमंत्री वो चाहता ही नहीं अखिलेश मुख्यमंत्री बने। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बहुत से अंतर से जीत जा रहे हैं और सब जानते हैं, सबको पता है इलेक्शन में कुछ रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अंदाज है 30,000 से ज़्यादा वोटर से जीत दर्ज कराएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव साइकिल को वोट देता है, ये सब यादव ही खड़े हैं। अखिलेश यादव का भ्रम टूट जाएगा, जो उन्हें घमंड है, जो चाचा शकुनी रामगोपाल है वो बर्बाद कर देगा उनको, वो समझ ही नहीं रहे अभी। वो चाचा उनका भीतर से काट रहा है उनको, और ये इसीलिए उसने टिकट ही भरे बाद में ऐसे बेच दी कि अखिलेश कभी मुख्यमंत्री, वो चाहता ही नहीं अखिलेश मुख्यमंत्री बने। अखिलेश अगर वो ये चाहता अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो जीती जिताई सीट जीती फरियाबाद, और उसने हारने के लिए ऐसे कैंडिडेट को बेच दी जो सब जमानत जब्त नहीं जा रही सर। अरे वो हमारे नेता है, रिश्तेदार हैं, राजनीति अलग है, निष्ठा हमारी बीजेपी के साथ है, अब काम बीजेपी के साथ करेंगे। नेताजी नेता हैं, जब भी हम महसूस करेंगे नेताजी को हम मिलना तो नेताजी से मिलेंगे, बनाएंगे हमको नेता ही जाएंगे। सतपाल जी भी कई जगह देखा गया उदास सा चेहरा रहता है, उदास का उनके साथ धोखा हुआ और उन्हें बहुत अपमानित किया गया। ये बड़े दिल के नेता हैं सतपाल सिंह, बड़े नेता हैं, उनने सोच के घर को कहना टूटे, लेकिन इस रामगोपाल ने उस घर टूटने को कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके घर के तीन टुकड़े कराने के प्रयास किए, लेकिन सतपाल सिंह की समझदारी से घर बचा हुआ। लेकिन कब तक बेचारे निभाएंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आखिर तो फैसला सतपाल सिंह यादव जी को लेना पड़ेगा।